सुनिए, क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है एवं इसके विभिन्न भागों का वर्णन करें। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये जो पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और मैं बता दिया कि दो टाइम सुबह 10 से 11 शाम में 6 से 7 मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक के बारे में ही हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पहले होता क्या जान लीजिए। यह एक ऐसी डिवाइस है जो नाभिकीय अभिक्रिया और रिएक्शन के द्वारा एनर्जी उत्पन्न करने का एक साधन है, ठीक है। इसमें मुख्य भाग जो होते हैं, आपको बताएं कि इसका मुख्य भाग है एक्टिव कोर, ठीक है, मॉडरेटर, कूलेंट, शील्ड, सेफ्टी रोड, ये सब इसका मुख्य भाग है, ठीक है। तो हम स्पेलिंग लिख देंगे, आप लोग नहीं लिख पाइएगा, पर लिखिए, परिभाषा लिखना शुरू कीजिएगा। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। अगला, चलिए कौन कौन भाग है। पहला नंबर लिखिएगा एक्टिव कोर, दूसरा नंबर मॉडरेटर, तीसरा नंबर कूलेंट, इसका मोबाइल भाई साइलेंट को मोबाइल को, देखिए ना ऑर्डर में लिखा है, उल्टा पुल्टा गड़बड़ आ जाएगा। लिखा शील्ड, हेलो
अगला शील्ड के बाद है कंट्रोलर, छठा नंबर है सेफ्टी रोड, रॉड्स, सेफ्टी रॉड्स, लिखा हिंदी लिख लीजिए सबका। पहला का लिखिएगा एक्टिव, सक्रिय भाग, सक्रिय सक्रिय ना एक्टिव, सक्रिय सक्रिय भाग। दूसरा का मॉडरेटर का मंदक, मंदक। तीसरा का कूलेंट का शीतलक, ठंडा करना शीतलक। शील्ड का मतलब रक्षा करना होता, ठीक ना, इसका हिंदी हो जाएगा परिरक्षक, परिरक्षक। कंट्रोलर कहती नियंत्रक, नियंत्रक। सेफ्टी रोड का, सेफ्टी मतलब सुरक्षा और रोड का मतलब रोड, रॉड से ये छाड़, रॉड रॉड रोड ना रॉड, सुरक्षा छाड़, सेफ्टी रोड सुरक्षा छाड़। देखिए इसके नीचे लगभग 12-13 लाइन, 10-12 लाइन फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, और उसका लिखना चालू कीजिए फटाफट स्पीड से एकदम, जितना जल्दी लिखिएगा उतना फायदा होगा, तो छूट जाएगा नहीं तो फिर नहीं बनेगा उसमें। हाँ 12-13 लाइन कम से कम फिगर के लिए, आधा पेज लिखो, अच्छा छोड़ दो पूरा। चलिए लिखना शुरू कीजिए फटाफट जल्दी से। पहला नंबर लिखिएगा एक्टिव कोर का, सक्रिय भाग का, नहीं डैश नहीं दीजिए, पेज छोड़ दीजिए। पहला नंबर, इंटर के बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि एक्टिव कोर के बाद डैश देना है या बोलना पड़ जाए, ये अपने आप में रिकॉर्डेड हो रहा है, नाम बोले आपका बोल दें ना। चलिए ठीक है लिखिए, ये सुनो ये बातें करो, बीच में बोलिएगा फिर लिखाने का कुछ लिखा देंगे कुछ, फिर हमको ये बोलिएगा, आप शांति से खाली रहिए हम लिखा रहे हैं। लिखिए यह रिएक्टर का, यह रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। तब तक क्वेश्चन में मेरे पास है, यह रिएक्टर का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है जिसमें विखंडनीय पदार्थ रखा जाता है, विखंडनीय, जिसमें विखंडनीय पदार्थ रखा जाता है। विखंडनीय पदार्थ रखा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, लगातार लिखेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235, यू 235 लिख दिया, यू लिखिए 235, कैपिटल यू बड़ी यू, यूरेनियम 235
जहां लिखना लिखना है, यूरेनियम में लिखना है। यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा क्या है, मॉडरेटर लिखिए। जब न्यूट्रॉन तीव्र गति में, मॉडरेटर लिखिएगा, जब न्यूट्रॉन तीव्र गति में होता है तो मॉडरेटर के द्वारा उसकी गति को कम किया जाता है, हैवी वाटर, हैवी का स्पेलिंग क्या लिखा, HAVY, हैवी वाटर, इसका हिंदी क्या होता है, भारी जल। कौन है भारी जल रे, फॉर्मूला D2O, हैवी वाटर ब्रैकेट में D2O, H2O लिखते हो ना, H के ऊपर डी, ऐसा लिखा है, डी नीचे टू फॉर ओ, लिखे दिया नहीं लिख पाए, रिशु यादव नहीं समझ पाया, रिशु यादव के मिस्टी गड़बड़ नहीं समझ पाया वो। D2 हैवी वाटर ब्रैकेट में D2O के रूप में, नहीं कॉपी बदल दीजिए ना, जब लिखा रहे हैं लगातार तो हम बदलने के लिए कब बोले, मॉडरेटर में ही लिखा रहे हैं, हैवी वाटर ब्रैकेट में D2O के रूप में मंदक का प्रयोग किया जाता है, के रूप में मंदक का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर लिखिएगा, कूलेंट ठंडा करना, लिखिए, कूलेंट का कार्य विखंडन अभिक्रिया में विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करना है। इसके लिए वाटर, एयर
या CO2, इसके लिए वाटर कॉमा एयर या CO2 रिएक्टर के नली में इस प्रकार प्रवाहित किया जाता है कि रिएक्टर के सभी भागों का टेम्परेचर रिएक्टर के सभी भागों का टेम्परेचर समान रहे अगला पॉइंट क्या है? शील्ड। देखो ये शील्ड, लिखिए नाभिकीय रिएक्टर से अनेक प्रकार के किरणें उत्सर्जित होती है जो रिएक्टर के नजदीक कार्य करने वाले लोगों को हानि पहुंचा सकता है अतः रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट, का नाम सुने हैं? सीमेंट। हाँ, अतः रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट ब्रैकेट में सीमेंट की मोटा सीमेंट का मोटा दीवार बना दिया जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? ये डिवाइस जो है ना, ये जो देखिए सबके बारे में फिर से बता रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर लिखा देंगे। तो आपको एक्टिव कोर क्या होता है, इसमें जो एक्टिव जो काम करता है ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया। अब क्या होता है, जब तीव्र गति से न्यूट्रॉन होता है उसकी गति को कम करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया गया, इसमें हैवी वाटर लिया गया। अब क्या है कि कूलेंट, अब जब पूरा घूमेगा तो गर्म तो होवे करेगा, गर्म होगा तो रिएक्टर का जो नली है पाइप सब है उसमें हवा या वाटर या CO2
गैस डाल दिया जाता है ताकि पूरे रिएक्टर का टेम्परेचर क्या रहे, समान रहे। बात समझ में आ रहा है? उसका शील्ड, शील्ड है क्या क्या, जो काम कर रहा है रिएक्टर है उससे तरह तरह के विकिरण निकलेगा, किरण निकलेगा। अगल बगल में कोई खड़ा रहेगा तो किरण बार बार उसके शरीर पर आएगा तो हार्म पहुँचाएगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा। इसे क्या करता है, मशीन के चारों तरफ क्या करता हैवी सीमेंट का दीवार खड़ा कर दिया जाता है ताकि अगर अगल बगल कोई काम कर रहा है तो उससे उसको कोई किरण से कोई असर नहीं आए उस पर, सीमेंट का मोटा दीवार। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? और उसका था कंट्रोलर, कंट्रोल कैसे लिखे, कंट्रोलर 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 में डैश देके लिखिएगा, लिखिए रिएक्टर में विखंडन की अभिक्रिया पर, रिएक्टर में विखंडन रिएक्टर में विखंडन की अभिक्रिया पर कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए विखंडन की अभिक्रिया पर कंट्रोल करने के लिए कैडियम, कैडियम का सिंबल है सी ए सी डी, सी ए कैल्शियम होता है, कैडियम सी ए डी आई यू एम ब्रैकेट में सी डी, कैडियम या बैरियम, बैरियम का सिंबल है बी ए बी आर ने बी ए, एक होता है बोरॉन एक ब्रोमीन एक बैरियम। सुनिए रिएक्टर में विखंडन की अभिक्रिया पर कंट्रोल करने के लिए कैडियम या बैरियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है, के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में लिखिएगा सेफ्टी रोड्स, सेफ्टी रॉड्स सुरक्षा छड़। सुनिए जब ऐसे सुनो, गाड़ी में देखते होंगे एक वो इमरजेंसी ब्रेक रहता है, देखते हो ना, जैसे कि वो जब पैर का ब्रेक वगैरह फेल्योर हो जाता है, फेल हो जाता है, इमरजेंसी ब्रेक हैंड ब्रेक होता है ना, उससे गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे सेफ्टी रोड का काम होता है कि जब रिएक्टर खूब तीव्र गति से चलने लगता है तो तीव्र गति से चलने लगा अब रुकिए नहीं रहा है, तब क्या करता है सेफ्टी रोड सब, उसमें जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन उसको अवशोषित कर लेता है। जैसे उसको अवशोषित कर लेगा उसका स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी मान लीजिए गाड़ी कहीं भाग रहा है, ब्रेक फेल है, और गाड़ी का क्या हो गया, तेल खत्म हो गया, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा कि चलते रहेगा, रुक जाएगा। उसी प्रकार का ये करता है सेफ्टी रोड, क्या करता है कि वो जब बहुत तीव्र गति से रिएक्टर घूमने लगता है और जब कंट्रोल में नहीं आ रहा है
तब क्या करता है, जो सेफ्टी रॉड है वो सारे न्यूट्रॉन को अवशोषित करके उसकी गति को कम कर देता है। ठीक छा, लिखिए, इमरजेंसी में स्पेलिंग EMERGENCY, EMERGENCY लिखिए। इमरजेंसी में यदि रिएक्टर इमरजेंसी में यदि रिएक्टर तीव्र गति से चलने लगता है, तीव्र गति से चलने लगता है तो सेफ्टी रोड्स सभी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। सभी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। जिससे अभिक्रिया स्वतः रुक जाती है। जिससे अभिक्रिया स्वतः रुक जाती है। समझ में आया? सुनिए, इसमें कभी कभी क्या करता है, दो नंबर का पूछ देगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट का क्या कार्य है या मॉडरेटर का क्या कार्य है। बस में है तो कूलेंट का काम क्या होता है, उसको ठंडा करना, ऐसे समझ सिंपल भाषा में। हाँ, 5 नंबर का है। मॉडरेटर में इसका मुख्य काम है उसका गति को कम करना। ठीक छ, फिगर बता दें, कंट्रोल करना। एक्टिव कोर क्या करता है, उसमें ईंधन देता है उसको चलाने के लिए, एक्टिव करता है जैसे पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए। और शील्ड क्या करता है, वो विकिरण जो कर्ण किरण सब निकलता है उससे बचाने के लिए शील्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कंट्रोलर तो बताते हुए कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, किसको नहीं बेटा, इमरजेंसी ब्रेक यहाँ सेफ्टी रोड्स है, कंट्रोल ना है। उसमें दो छड़ रहता है कंट्रोल करने के लिए, लिखा कैडियम या बेरियम का, कंट्रोल करने के लिए छड़ का प्रयोग किया जाता है। और इमरजेंसी ब्रेक सेफ्टी रोड्स है, यही है इमरजेंसी है कि जब काम नहीं करेगा, अब बहुत स्पीड में आ रहा है, पूरा कंट्रोल से बाहर हो गया, तब ये क्या करेगा, उससे जितना न्यूट्रॉन है सबको अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित जैसे करेगा ऑटोमेटिक वो क्या होगा, उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। बस में कि नहीं है, ये चीज है। एक और देखिए, सिलेबस का लगभग टॉपिक बता दिए, लेकिन एक आध टॉपिक जैसे मान लें इनकेस हो सकता है तो क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं जोन जोन टॉपिक मिलते जा रहा है। अभी तो कोई ई मिला, एक और है एलसी ऑक्सीलेशन। ठीक है, वो तो खैर पढ़े हुए करेंगे, वो तो खाली चूंकि उसमें भाषा है, भाषा है तो उसमें सोच रहे कैसे लिखा है, उसको इजी लैंग्वेज करने के चक्कर में थोड़ा सा उसको रोके हुए अभी। और दूसरा कि समय भी नहीं मिल पा रहा है, जो फैक्ट बता रहे हैं समय ही नहीं मिल पा रहा है। कारण समय क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तो सुबह से लेकर शाम तक क्लास हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा राहत भी हो गया है कि इंग्लिश मीडियम बैच का भी सिलेबस समाप्त है, लेकिन फिर उसको अल्टरनेटिव बुला रहे हैं, उसको अल्टरनेट बुला रहे हैं, MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और संडे को तो फिक्स उसको बुलाएंगे। आप लोग इस बार संडे को नहीं बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, रूम में पढ़िए, घर में पढ़िएगा। सुनिए, ऑप्टिक्स का जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, जो हम कल बताए थे उस दिन भी बताए थे, कितने लोग हैं जो याद कर लिया 7-8 को कम से कम ऑप्टिक्स का।
कुछ नहीं हथ किए हैं हाँ हाँ लॉन्ग कब याद किया है? ए बाबरे देखिए सुनो, ऑप्टिक्स का हालांकि क्वेश्चन सब रिवीजन कराते जा रहे हैं, आज सुबह सिंपल माइक्रोस्कोप को रिवीजन कराए थे 6 बजे, और अगर उसमें क्या होता है रिवीजन वाला बैच में क्लियर बता दे रहे हैं कि पूरा विस्तार से